सामने के केराना क्षेत्र में गांव अलीपुर का पूरा मामला है, जहां पर एक सिलेंडर के फटने से मकान में आग लग गई है। मकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है, जहां पर गांव के पीड़ित सेमपाल कश्यप के मकान में महिला सुबह के समय नाश्ता के लिए चाय बना रही थी। अचानक सिलेंडर आग लगने की वजह से जहां पर आपको बता दें लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है, जिसके कारण आग बड़ी मुश्किल से ग्रामवासियों की मदद से काबू पाया गया है। मकान का सभी सामान जलकर राख हो चुका है। पीड़ित मकान मालिक ने बताया है कि मकान में उसकी लड़की की शादी का सामान भी रखा हुआ था, जो जलकर राख हो चुका है। प्राइम मेकिंग न्यूज यानी के लिए खास रिपोर्ट। आग लगी चाय बनावे तड़के ही, आग लग गई। फिर यह कंट्रोल भी खरी, बोली बारी भी गिरी इस पर बुझी नहीं। लड़के की शादी भी थे, सब सामान नहीं गई तुम्हारा तो। आग किस तरीके से लगी है? चाय बनावे थे बस, एकदम तो लग गई सारे को आग। तो आग किस में लगी? सिलेंडर में लगी। सिलेंडर में लगी पहले। अच्छा, फिर? फिर घर में लगी। हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ आसपास में? बहुत नुकसान हुआ, लड़के की शादी थी, सब सामान धरा था इसी में, संदूक में टंकी ना फ्रिज मशीन सब फूक गई। कब आए थे लड़की की शादी? लड़की की 26 की। अब आप क्या चाहते हैं? बस वही इच्छा में भाई, गरीब आदमी जो कुछ फूक गया सामान सरकार करेगी, हाँ मदद कर दे। जी बताइए प्रधान जी, आप ये क्या मामला है आपके गांव में? जो एक गांव में सिलेंडर था, ये गांव में जो यहाँ मतलब रोजाना गृहिणी रहती थी, सुबह नाश्ता बनाने के लिए चाय जो रखी, तो चाय रखती सारे एकदम गैस ने आग पकड़ ली, और आग पकड़ने के बाद सिलेंडर में आग पूरी तरह से ले ली, जिससे सारा घर का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी काठ जो लड़की की शादी के लिए रखा था, वो सब सारा सामान जल के वो ख़त्म हो गया था। ये जो है परिवार में जो है बता लड़के सामान जला है, लगभग कितना नुकसान हुआ इनका? इनका लगभग मेरे हिसाब से जी, जो ये मकान पूरा ध्वस्त हो गया, 5-6 लाख का इनका नुकसान बन रहा जी, मैं मकान और सामान सहित। कैसे पुलिस को या दमकल को फोन किया आई में? नहीं, पुलिस को फोन किया था, आई थी, लेकिन दमकल तो जब आई, जब ग्रामीणों ने आग कब्जे में कर ली थी कंट्रोल में। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन